मेरा नाम है वंश। आज आप मेरे चैनल में बनाना सीखेंगे गाजर का हलवा। आज आप अपने घर में गाजर का हलवा बनाइए और बॉयकॉट कीजिए बीकानेर वाला और हल्दीराम वाले को। कहने का मतलब मैं आपको हलवाई से भी बढ़िया बना के सिखाऊंगा, वो भी सस्ते दाम। शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया है 5 किलो गाजर, जो कि हमने पिलर से छील के रगड़ रगड़ के धो लिया है, वो भी गर्म पानी से। मीठी वाली लिया ना, लकड़ी वाली मत लिया ना, सब्जी वाला पागल बना लेते हैं आजकल। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने खुशबू के लिए 7-8 इलायची लिया, जो कि जिसका हमने पाउडर बनाना है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने 1 किलो खोया लिया है। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्वादिष्ट खाना है तो थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने मीठे के लिए 1/2 किलो चीनी ली है। कम और ज्यादा तो आप अपने टेस्ट से भी कर सकते हो। हाँ तो ये है बोरोसिल का ग्रेटर, जो कि हमने गाजर छीलने के लिए लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने नाजुक हाथों को घिसते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 1.5 किलो फुल क्रीम दूध लिया है उबला हुआ, जो कि आपके गाजर के हलवे को देगा बहुत ही रिचनेस। और पता है तो कौन सा दूध है? अमूल दूध पीता है इंडिया। गार्निश करने के लिए हम यहाँ काजू बादाम किशमिश डाल रहे हैं, आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं। ये है 2 कटोरी देसी घी। गाजर के पीछे के डंठल को जरूर काट लेना, वही हलवा खारा बन जाए। तो अब मैं आपको गाजर ग्रेट करके दिखाता हूँ। गाजर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम आंच के ऊपर अब हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे। अब आप सोच रहे होगे ना कि इतना सारा गाजर का हलवा पूरे मोहल्ले का बना रहे क्या ये? लेकिन नहीं, हम ये गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा साल में एक बार आता है अच्छी गाजर, इसलिए हमको मिल बांट के खाना पड़ता है। हाँ तो भाई लोग और आंटी लोग, अब हमने इसको तेज फ्लेम में घी के साथ पका लिया है 15 मिनट के लिए। अब हमने इसको सुखा दिया है तेज फ्लेम पे गाजर को। अब हम इसमें दूध डाल के पकाएंगे। देखिए अब हमने इसको पूरी तरह से दूध भर के डाल दिया है। अब हम इसको मिलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब गाजर को पकाएंगे जब तक दूध पूरा सूख ना जाए। इस हलवे को बीच बीच में चलाना है, आपको लगातार चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल के गाजर को 45 मिनट तक पकने देंगे। देखिए हमारा हलवा तैयार है। अब हम इसमें खोया और ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। इसमें कोई भी मॉइस्चर रहना नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें दूध और चीनी नहीं रह गए और हमारे हलवे का कलर
अच्छा और लाल आया है। देखिए हमारा खोया ग्रेट हो चुका है, हम आधा अभी इसमें डालेंगे और आधा गार्निश में। और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरा शाही और नवाबी हलवा बनकर तैयार है। हमने कहा था आपको कि आधा किलो चीनी लगी, लेकिन इसमें 800 ग्राम चीनी लग गई है। और तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और मावे से उसको गार्निश कर लिया है। तो फ्रेंड्स मुंह में पानी आया ना, मेरी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है दोस्त, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बनी हुई घंटी को भी जरूर दबा लेना। तो दोस्तों ये था मेरा बेटा वंश, जो आज आपको शाही और नवाबी हलवा बनाना सिखा रहा था। बच्चे ने बहुत ही मेहनत से इस रेसिपी को बनाया है और 5 किलो की क्वांटिटी काफ़ी होती है। इसे आप फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप खोया नहीं मिलाएंगे तो आप इस हलवे को 5 से 6 महीने तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, लेकिन खोया मिलाने के बाद में आप इसे 2 महीने तक फ्रिज में रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मेहनत से बना हुआ लजीज हलवा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और साथ ही में इतनी क्वांटिटी के हलवे को दूध और घी और हमने चीनी के साथ में पकाया है। ये प्रोसेस लॉन्ग ज़रूर है, शॉर्टकट में बना हुआ हलवा आपको कभी भी इतना लजीज नहीं मिलेगा। और इसको पूरा सुखाने का टाइम 2 से 2.5 घंटे आराम से लगता है। तो पेशेंस के साथ में हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं हमारे मास्टर शेफ वंश का थैंक्स करते हुए एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।